क्रिएट करके तूने इमेज मेरा मीम बना दिया अब पिक्चर या सड़कों पे सीन बना दिया अब खुद का टाइम ला। सो हे गाइस, कैसे हो आप लोग। गाइस, आज के इस वीडियो में हम कुछ इस प्रकार का न्यू ट्रेंडिंग स्टेटस वीडियो को बनाएंगे। सो गाइस, ये जो सॉन्ग है ना, अभी काफ़ी ट्रेंडिंग में, और गाइस मैंने जो है सॉन्ग को म्यूट भी किया था वीडियो में, वो इसलिए किया था बिकॉज कॉपीराइट के लिए मारा था इस सॉन्ग पे, इसलिए मैंने म्यूट कर दिया था। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जो बीट मारे इम्पोर्ट करोगे उसमें आपको फुल सॉन्ग मिलेगा, या फिर आप मटेरियल्स वाले लिंक को चेक कर लेना, वहाँ पर भी आपको सॉन्ग मिल जाएगा, आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। ओके, सो गाइस, इस प्रकार की वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले आप लाइट मोशन ऐप को डाउनलोड कर लेना। सो लाइट मोशन ऐप डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, मेरे टेलीग्राम चैनल पे चले जाना है, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से बिल्कुल भी आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। ओके गाइस, सो बढ़ते हैं अपनी एडिटिंग की तरफ। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है सो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। सो बीटमार एंड सर्टिफाइड का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग चेक कर लेना। सो गाइस, हो सकता है बीटमार एंड सर्टिफाइड कुछ इस प्रकार से, जैसे कि एक लिंक पर क्लिक करोगे तो वहाँ पर आपको बीटमार एंड बीटमार एक्सएमएल मिल जाएगा, और दूसरे लिंक पर आपको सर्टिफाइड सर्टिफाइड एक्सएमएल ऐसे करके मिल जाएगा। ओके, जाके चेक कर लेना, तो दो पेज रहेगा, इस बात का आप ध्यान रखना, हर एक लिंक में दो पेज रहेगा। सो गाइस, आपको करना क्या है, सबसे पहले बिटमार प्रोजेक्ट को ओपन करना है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, नॉर्मली अपनी फोटो को एड करना है। सो सबसे पहले शुरू में आ जाना है, प्लस पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करना है, अपने फोल्डर को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। सो जो भी फोल्डर में आपका फोटो है सिंपली आपको अपने फोल्डर को सिलेक्ट कर लेना है। ओके, और यहाँ पे फोल्डर सेलेक्ट करने के बाद फोटो को एड करना है, ऊपर थ्री डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया करना है। इस वाले आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, इस वाले एरो पे दो बार क्लिक करना है, यहाँ पे आपको दो बार क्लिक करना ही पड़ेगा बिकॉज बीट मार बहुत आगे जाके। फिर आपको इस वाले आइकन पे क्लिक करना है, जैसे कि इसका जो लेंथ है इमेज का लेंथ यहाँ लास्ट तक आ जाएगा। फिर आपको प्लस पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करना है, दूसरा फोटो को एड करना है, ऊपर थ्री डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया करना है, इस वाले एरो पे क्लिक करके यहाँ से फोटो को ट्रिम करना है। ओके, सो इस प्रकार से यहाँ पे आपको अपनी फोटोज को एड करते रहना, जिस प्रकार से आप लोग दे सकते हो। ओके, तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, सही फोटोज़ को ऐड कर लेंगे, तो लास्ट तक जितना ही फोटो आपका ऐड हो रहा है इस प्रकार से आप जल्दी सही फोटोज़ को ऐड कर लेना। तो गाइस, जल्दी मैं सही फोटोज़ को ऐड कर लेता हूँ, फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ आगे आपको क्या करना है। ओके ओके, तो टोटल हमारा लास्ट फोटो ऐड होगा 20 सेकंड तक, तो आप लोग यहाँ पे फोटो को ऐड कर लेना। अब फोटो ऐड करने बाद यहाँ से बैक आ जाना, एंड से फिर पोजिट को सबसे पहले ओपन करके आपको पहले वाले फोटो पे क्लिक करना है, फैट पे क्लिक करके थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी फैट कर लेना है, फिर यहाँ से बैक आके बिटमार पोजिट को ओपन कर लेना है, एंड जो पहला वाला फोटो ना इस पर क्लिक करके इफेक्ट पे क्लिक करके थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना है। तो पहला वाला छोटा ना इसमें आपको पेस्ट कर देना है, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, इस फोटो पे क्लिक करके आपको मोमेंट ट्रांजिशन पे क्लिक करना है, थर्ड नंबर का ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट करना है, इधर इसको यहाँ से इधर स्लाइड करना है, ऐसे ही होगा आपका फोटो थोड़ा सा जूम हो जाएगा, और आपको इतना जूम कर लेना जो कि हमारा ब्लैक ब्लैक पार्ट्स आ रहा था ना वो ना आए, बस इतना जूम इसमें कर लेना। ओके, तो इस प्रकार से हो जाएगा। इतना करने बाद फिर यहाँ से बैक आ जाना, एंड से फिर पोजिट को ओपन करके सेकेंड नंबर का जो इफेक्ट है इसको कॉपी कर लेना। ओके, तो मैं आप सबके लिए मतलब अलग अलग प्रकार का इफेक्ट लाता हूँ, तो मैं आप लोग पहले ये बोलते थे एक ही इफेक्ट है, तो मैं इफेक्ट चेंज कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सो गाइस, आपको करना क्या है, जो एक नंबर का इफेक्ट है ना, सबसे पहले आपको 11 सेकंड वाले फोटो पे पेस्ट कर देना इस प्रकार से। ओके, जो कि हमारा बड़ा वाला जो फोटो है उसके बाद जो जस्ट फोटो आ रहा है ये वाला फोटो, इसमें हम पेस्ट कर देंगे, एंड एक फोटो को छोड़ के फिर एक फोटो में पेस्ट कर देंगे 12 सेकंड पे। ओके, तो इफेक्ट पेस्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इमेज पे क्लिक करके इफेक्ट पे क्लिक करके सिलेक्ट पे क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना है। ओके, तो यहाँ पे हम एक फोटो छोड़ के एक फोटो में पेस्ट कर देंगे, एंड फिर यहाँ पे एक फोटो छोड़ना है, और यहाँ पे जब आपको छोटा वाला फोटो दिख रहा है ना, इस पर आपको क्लिक करना है, फैट पे क्लिक करके थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना है, और छोटा वाला फोटो के मतलब आगे जो जस्ट आगे ये वाला फोटो है ना, ये वाला बड़ा वाला, इन दोनों में आपको लगातार पेस्ट कर देना है। ओके, 13 सेकंड पे एंड 14 सेकंड पे, ये दो फोटो ना लगातार इन दोनों फोटो में पेस्ट कर देना, एक नंबर का फैट को, फिर एक फोटो को छोड़ छोड़ के आपको पेस्ट कर देना है। ओके, एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक फोटो छोड़ छोड़ के हम पेस्ट करते जाएंगे, एंड लास्ट में फिर हम दो फोटो में पेस्ट करेंगे, वो कहाँ पे पेस्ट करना मैं आपको बता दूंगा। ओके, तो लास्ट का हम क्या करेंगे, जो लास्ट में हमारा है ना ये लास्ट का जो एक फोटो है ना इसको छोड़ के इधर का जो दो फोटो ना इन दोनों पेस्ट कर देना है। ओके, इस प्रकार से, और यहाँ पर भी एक छोटा इमेज आ रहा है जिससे कि आप लोग देख सकते हैं ये वाला इमेज, सो इसमें पेस्ट करेंगे, उसके आगे वाला हम पेस्ट कर देंगे, और लास्ट का जो एक इमेज रहेगा वो बच जाएगा। इस प्रकार से आपको पेस्ट करना है, बाकी इधर एक इमेज छोड़ छोड़ के पेस्ट कर लेना, बीट के हिसाब से आप मैच कर लेना। आई होप कि आपको पता होगा कौन सा बीट पर कौन सा इफेक्ट लगेगा। सो यहाँ से आपको फिर बैक आ जाना है, इससे कि फिर पोजिट को ओपन कर लेना है, एंड जो सेकेंड नंबर का इफेक्ट है इसको कॉपी कर लेना है, कॉपी करके बैक आना है, बीट मार पोजिट को ओपन कर लेना है, एंड आगे जाके आपको सिंपली जो भी बचा हुआ फोटोज है ना सभी फोटोज में इफेक्ट को पेस्ट कर देना है। ओके, सो जो भी बचा हुआ फोटो सिंपली मैं सभी फोटो में मतलब सिंपली पेस्ट कर लेता हूँ। ओके,
जैसे कि आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं देखना है, सिंपली जो भी बचा हुआ फोटो है ना सभी में हमारा यही फेड लगेगा। तो हम यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर देंगे। ओके, तो लास्ट में मैंने पेस्ट कर दिया, इस पर आपको पेस्ट कर देना है एंड फिर यहाँ से आपको बैक आ जाना है एंड सेकंड फेड पोजर को ओपन करके यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करके रखना है। दोनों लेयर को सिलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करके कॉपी टू लेयर कर लेना है, फिर बैक आ जाना है, बीट मार्क पोजीशन को ओपन करना है एंड शुरू में आके आपको यहाँ पे क्लिक करके पेस्ट टू लेयर कर देना है, स्लाइड करके लास्ट में चले आना है और यहाँ पे लॉन्ग प्रेस कर रखना है, इन दोनों लेयर को सिलेक्ट करना है जो कि ऊपर में हमने पेस्ट किया था। ओके, जो कि पेस्ट किया था वो ऊपर में आ गया था। फिर हम लास्ट में आके इस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, इससे ये होगा इसका लेंथ है, लास्ट आ जाएगा दोनों का एंड कुछ इस पास हमारी वीडियो बनकर तैयार हो जाएगी जैसे कि आप लोग देख सकते हो। एंड उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, ऊपर शेयर के आइकन पर क्लिक करके अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। सो गाइस बस आज के लिए इतना ही, आई होप कि वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट एडिटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखना।